मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार आप सभी को बताती हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। भूम परांडा उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट के इतिहास में मराठवाड़ा में अभी तक का सबसे बड़ा हेल्थ कैंप करके उस्मानाबाद के हर लोगों को स्वस्थ करने के लिए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर तानाजी राव सावंत के नेतृत्व में जसे आमचे डॉक्टर धर्मेंद्र जे अचानक आपल्याकडे आमच्या आदेशाने उपस्थित झाले, असे समोर दिसणारे आणि पडद्या मागे सर्वजण यांचं मी अभिनंदन करतो। अशा पद्धतीचं कार्य करणं इथून पुढे आपल्या देशात ही काळाची गरज आहे आणि म्हणून अशा आरोग्य शिबिर डॉक्टर धर्मेंद्रचा थोडा नामोल्लेख करतो की जवळपास 2.5 कोटी रुग्णांच्या तपासण्या आणि जवळपास 2 ते 3 लाख लोकांचं ऑपरेशन असं त्यांनी सांगितलं। ते काम काही छोटं नाही, हे बोलणं सोपं आहे हे धोरण आणि हे एका देशापुरतं मर्यादित नाहीये। भारतामध्ये अशा पद्धतीचे शिबिर माझ्या अंदाजाने हे तिसरं का चौथं त्यांनी घेतलं असेल, पण भारताच्या बाहेर ज्या ठिकाणी मागासलेले देश आहे अशामध्ये जाणं, सर्व टीम घेऊन जाणं, औषध उपचार घेऊन जाणं आणि त्या रुग्णांच्या त्या देशातल्या नागरिकांची सेवा करणं हे व्रत त्यांनी घेतलेलं आहे। त्याच्यामुळे पहिलं आपल्या सर्वांच्या तर्फे आमच्या महाराष्ट्रातर्फे मी त्यांचं अभिनंदन करतो। हिंदुस्तान का हेल्थ रेट का जीडीपी हम कैसे आगे बढ़ा सके, आज ये बड़ी दुख की बात है कि हमारे यहाँ एक एक बीमारी से जितने लोग साल में मर जाते हैं, टीबी जैसे, एचआईवी जैसे, कैंसर जैसे, उतने किसी देश की आबादी नहीं होती है, ऐसे ऐसे वर्ल्ड में देश है। लेकिन वो दिन आएगा कि हम इस तरह से कैंप करके हमारी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करके महाराष्ट्र में पहली बार इस तरह से डेडिकेटेड फोकस स्वास्थ्य मंत्री देखा हमारे तानाजी सावंत जैसा कि एक एक मिनट में एक एक डिसीजन लेते हैं। और मैं जो हम लोग माननीय मंत्री जी के डायरेक्शन में भूम परांडा में हम लोग ने 27 और 28 नवंबर को 2 दिन के अंदर में 2.5 लाख से ज्यादा पेशेंट देख करके उस्मानाबाद के इतिहास में, मराठवाड़ा के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा इतिहास रचने का काम किया हम लोगों ने और इसको हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेजा है। ये भी बहुत जल्दी इसका भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। इस अवसर पर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर तानाजीराव सावंत जी स्वयं उपस्थित होकर के लोगों के रोग का उन्मूलन कैसे किया जा सके इसका एक एक काउंटर विजिट करके लोगों की समस्याओं को देखते हुए, डॉक्टरों से बात करते हुए उन्होंने ये आश्वासन दिया कि यहाँ जितने भी लोगों को ज़रूरत की चीज़ें हैं वो दे करके उनके ज़िंदगी को कैसे खुशहाल कर सकें के अलावा भारी मात्रा में चश्मे, व्हीलचेयर, मेडिसिन के साथ साथ जिसको भी किसी तरह के ऑपरेशन की ज़रूरत है, कैटरेक, हार्ट का ऑपरेशन, हड्डी का ऑपरेशन के साथ साथ आए हुए बॉम्बे से बड़े डॉक्टर्स के साथ साथ लोकल डॉक्टर के सपोर्ट से जितने भी तरह के ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी महाराष्ट्र सरकार स्वास्थ्य मंत्री मंत्रालय के तरफ से उनको ऑपरेट करा करके उनके ज़िंदगी की खुशहाली कैसे दी जा सके ये माननीय तानाजीराव सावंत जी ने इसका लोगों को बताया।
और यहाँ आदेशित किया सारे डॉक्टर्स को, इवन डॉक्टर धर्मेंद्र को भी ये निर्देशित किया कि जितने भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े ये महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इसको पूर्ण रूप से सुविधा दी जाएगी और स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने के लिए जितना भी ज़रूरत है महाराष्ट्र का स्वास्थ्य मंत्रालय हमेशा तैयार है और तत्पर है। धन्यवाद।